वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। करगिल विजय दिवस के 23 साल आज देश के लिए जवानों के निछावर की थी जान। आपको बता दें कि करीब 66 दिनों तक ये युद्ध चला था। भारतीय जवानों ने दर्ज की थी अद्भुत जीत। जीत के बाद करगिल पर विजय झंडा फहराया गया था। 26 जुलाई को टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था। ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है करगिल युद्ध। आपको बता दें कि युद्ध में सेना के 527 जवान शहीद हुए थे और 17 मई 1999 से ये करगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। 14,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन ने फायरिंग की थी। तो भारतीय सेना के पराक्रम के 23 साल पूरे हो गए। आपको बता दें कि कारगिल का युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई से जुलाई के बीच लड़ा गया था। पाकिस्तानी कबाइली घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहाड़ियों पर बनी हिंदुस्तान की चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इसमें कबाइली आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना भी साथ दे रही थी। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस युद्ध में भारत ने हजारों वीर सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो भारतीय सेना के पराक्रम के आपको बता दें कि 23 साल सेना का अदम्य साहस और पराक्रम वीर जवानों ने हासिल की थी। हजारों जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। सेना ने टाइगर हिल पर फहराया था तिरंगा। मां भारती के सपूतों ने प्राणों की आहुति दी थी। मई से जुलाई तक ये ऑपरेशन विजय चला था। तो हजारों जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था।